नमस्ते किचन क्वीन, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो बनेगी दालों से। तो काफ़ी बच्चे दाल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। दाल में काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं, तो हमें उसे बच्चों को देना चाहिए। तो वही दालें आज यूज़ करके हम बनाएंगे एक हेल्दी अप्पे की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1/4 कप मसूर की दाल, उसके बाद 1/4 कप मूंग दाल, 1/4 कप उड़द दाल, 1/4 कप चना दाल। अगर आपके पास कप के मेजरमेंट्स नहीं है तो आप उसकी जगह कटोरी का भी मेजरमेंट ले सकते हो, जैसे मैंने लिया है। यहाँ मैंने लिया है 1 कप चावल, तो 1 कटोरी आप चावल लीजिए और पाव पाव कटोरी आप दाल लीजिए। अगर आपको इसमें से कोई दाल पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। अब हमें इसे क्या करना है, अच्छे 4 से 5 पानी से धो लेना है। उसके बाद इसे 7 से 8 घंटा हमें भीगने देना है। आप ओवरनाइट भी इसे छोड़ सकते हो। इसे भिगोए हमें 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हो दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है इस तरह। अब हम इसका पानी निकालेंगे और इसे बिल्कुल महीन हमें पीस लेना है। तो इस तरह हमने इसे बिल्कुल महीन पीस लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो हम इस तरह की चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार। एक ओनियन लिया है जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 टमाटर जो हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, वो भी इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको हरी मिर्च नहीं पसंद तो आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर भी इसमें यूज कर सकते हो। उसके बाद 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा हम इसे इस तरह ग्रेट करके डाल देंगे। थोड़ा सा कटा हरा धनिया और हमें इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। और हमें इसमें एक चीज ऐड करनी है, जीरा। तो मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, आप इसकी जगह अजवाइन भी यूज कर सकते हो। और इसे हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स और इसे इसी तरह हमें 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब हमें इसमें डालना है इनो, जो रेगुलर वाला इनो है वो हमने लिया है 1 टीस्पून, और उस पर एक्टिवेट करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी डालना है और फिर इसे अच्छे से हमें कर लेना है मिक्स। यहाँ मैंने अप्पे पात्र गरम कर लिया है, गैस की फ्लेम लो कर ली है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। फिर जो बैटर हमने बनाया है वो इसमें डालना है। तो इस तरह चम्मच से हम इसमें बैटर डालेंगे। गैस की फ्लेम लो रखनी है। तो इस तरह डालने के बाद हमें इसे ढक देना है और हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक होने देना है ताकि ये नीचे से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद हम इसे पलट देंगे। इसे रखे हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो ये ऊपर से सूख चुके हैं और इसे हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने लग गया है और ये आसानी से पलट भी रहे हैं। तो इस तरह हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी हमें क्रिस्पी कर लेना है। तो इस तरह हमें पलट लेना है।
तो इस तरह हमने सारे पलट लिए हैं। दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह क्रिस्पी होने देना है और फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो दोनों साइड से भी क्रिस्पी हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह हमारे हेल्दी अप्पे बनके रेडी हो चुके हैं। आप उसे सॉस के साथ या मूंगफली की चटनी के साथ, आप जो भी बच्चे को पसंद है उसके साथ इसे सर्व कर सकते हो और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और फिर भी हेल्दी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इसी तरह की नई नई और आसान रेसिपीज आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।